नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहाँ जा रहे हो राजा? पैदल पैदल? अरे भैया महाबलेश्वर। चलो मेरे साथ छोड़ दू। थैंक यू। आधा वर्ष है महाराम। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपकी ये पैदल यात्रा सफल हो। भगवान आपको जंगली जानवरों से और जहरीले सांपों से बचाए, और अगर कोई पहाड़ी लुटेरा हाथ में खंजर लेकर सामने आ जाए तो? सॉरी मैडम, बाय बाय। सुनो तो, तुम मुझे सचमुच छोड़कर जा रहे हो? क्या करूं मैडम, मैंने आपको बहुत तंग किया, बहुत बोर किया। नहीं नहीं, इसलिए बाय बाय। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मुझे अपने साथ ले चलो ना राजा। मुझे बुला रही हो या वो कुत्ते को? तुमको। फिर से एक बार बोलो राजा। राजा। आह, एक बार और प्यार से राजा। राजा। आह, चलो चलो जल्दी बैठो। आइए मैम, चलो चलो जल्दी आओ। फिर कब मिलोगे? मिलना जरूरी है। हाँ, अब जरूरी हो गया है। तो फिर अचानक किसी दिन इसी तरह मुलाकात होगी। तुम शेटी हो, उस कोठी में बटलर बनके काम कर रहे हो, राइट? गुड। वेलकम राजा। डॉली नर्स, इट्स टू अर्ली। काम की बात करो डॉली। ये उस कोठी का प्लान है। इस गेट के अंदर की तरफ ये झाड़ियां हैं, जहां तुम छुपकर मेरे सिग्नल का इंतजार करो। मैं पहली मंजिल की तीसरी खिड़की की लाइट बुझा दूंगी। तुम पिछली दीवार के पाइप से ऊपर चले आओ, बालकनी से बेडरूम में पहुंचो। मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा। ये तिजोरी वाला कमरा है, ये सेफ है, पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ। तुम्हारा काम सिर्फ तिजोरी को खोलना है। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी 4 घंटे बाकी है, ठीक 11 बजे वहां पहुंचा। कम ऑन सेट। बालकनी से। लेकिन मैंने कहा नहीं था कि एक दिन अचानक ही मुलाकात होगी। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तो मेरी दादी का घर है। एक ही सांस में कितनी बातें पूछोगे? और फिर मेरा तो एक ही जवाब है, मोहब्बत ने अंधेरे रास्ते में शमा जलाई और दिल की कशिश मुझे यहां तक खींच लाई।
सचमुच तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी से मुश्किल सामने आ गई, अभी तो सफर शुरू हुआ है। अभी तक मैं उसी सफर के बारे में सोच रही थी। सफर के साथी की याद आई? साथी की वजह से ही तो सफर याद आया। और सच पूछो, उस सफर ने मुझे जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं। कोई आ रहा है शायद। आने दो। नहीं बाबा, अब तुम जाओ, सुबह आ जाना, मैं तुम्हें अपने दादी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलना जरूरी है? अच्छा तो मैं चलता हूँ। वहाँ कहाँ? बालकनी से। सीधे रास्ते से जाओ ना। सीधे रास्ते से? सीधे रास्ते से जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है। लो मेरा हाथ थाम लो और सीधे रास्ते पे ले जाओ। क्या बोले मेहन साहब, सरकार बोलती है जब नाम ही टैक्सी है तो टैक्स क्यों ना लगाएं? रोड टैक्स, टायर टैक्स, हॉर्न टैक्स, इंजन टैक्स, टैक्स पे टैक्स, क्या बोले? लो आगे मैडम जगह। पैसे बोलो। बोलता हूँ जी, बोलता हूँ। क्या हुआ? क्या बताऊँ, अब खुद ही देख लीजिए, मुझे पैसे बताते हुए शर्म आती है। क्यों? मैडम बात यह है कि मेरा मीटर जब भी 420 पर आकर रुकता है ना, तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 4 रुपए दे दीजिए और बाकी 20 पैसे शुभ सागर में डाल दीजिए, शायद कोई आने वाले ग्रह टल जाए। थैंक यू। जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। ए टैक्सी, चलो कहाँ जाना है? ये टैक्सी वालों को पूछने की बहुत बुरी आदत होती है। कहाँ जाना है? जहन्नम में जाना है। जहन्नम में जाना ना? जाना जाना है या आना जाना है? चलो सेठ, काय को खाली पीली नाराज होता है, जहन्नम में जाना ना। बैठो अभी पहुंचा देता हूँ। ये टोकरी कैसी? टोकरी? ए ड्राइवर, ये टोकरी यहाँ रहेगी तो छोकरी कहाँ बैठेगी? टोकरी? अरे राम, ये उस छोकरी की रहेगी होगी। तुम बैठो थे, मैं छोकरी को टोकरी देख रहा था। देख रहा हूँ, बहुत भारी है। मैडम, अरे ओ मैम साहब, अरे किधर गई मैम साहब, तुम्हारा सामान रह गया है। लो, अरे मैंने तो पैसा सागर में डालने को कहा था, कहीं खुद तो नहीं चली गई। कमाल है, एक तो लोग टैक्सी में सामान भूल जाते हैं, ऊपर से बोलते हैं टैक्सी वाले चोर। ये हिंदुस्तान में बच्चे रोते पड़े हैं? बच्चा मर गए, शुक्र के दिन शनि के दर्शन हो गए। मैं तो पहले ही सोच रहा था ये भगवान ने जो मीटर में 420 लिख दिया ना, तो कोनू को लफड़ा जरूर होगा। हो गया। ओ ड्राइवर साहब, जरा जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है। अरे तुम्हें देर हो रही है या अंधेर हो रहा है? जहन्नम के लिए दूसरी टैक्सी ले लो, मैं खुद यहाँ जहन्नम में पड़ गया हूँ। सुन लिया, हमें देर हो रही है, इनको जरा भी ख्याल नहीं है। चलो हम दूसरी टैक्सी लेंगे। चलो। जरा भी ख्याल नहीं? अजय आपको भी जरा भी ख्याल नहीं? आपकी माँ को मैं ही मिला था मेरे पल्ले डालने के लिए। ओहो, कहाँ छोड़ू इस उल्लू के पट्टे को। कहाँ डंप करूं इसको, यहाँ रख देता हूँ। ए सलाम वालदर साहब, सलाम। टैक्सी तुम्हारी है? टैक्सी हमारी है। यहाँ क्या कर रहे हो? जी पेशाब निकल गया, मेरा मतलब मेरे बच्चे का पेशाब निकल गया है। इतना प्यारा बच्चा है। अजी प्यारा होगा आपके लिए, मेरे लिए तो आप डाल रखी है। शुक्र करो इतने प्यारे बच्चे के बाप हो। यहाँ देखो 20 बरस गुजर गए शादी को, नतीजा जीरो का जीरो। तुम जीरो तो तुम ले लो ये हीरो। क्या बकते हो, टैक्सी हटाओ, यहाँ नो पार्किंग है। नो पार्किंग है? अजी टैक्सी का पार्किंग तो हो जाएगा, इसका पार्किंग कहाँ करूँ? नो पार्किंग है। ये क्या छुपा रहे, अपने पाप की निशानी? अरे सुनो। अरे मत सुनो। देखो अगर कोई लड़की अपने पाप के निशाने छुपाने जाए तो सारे मर्द बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं, और ये मर्दों के करतूत भी देखो। ये मेरे पाप की निशानी नहीं है। फिर तुम्हारे बाप के पाप की निशानी होगी। मेरे बाप की? वो तो मैं हूँ। मेरा मतलब है
मैंने ना जाने क्या पाप किया, ये मेरे पल्ले पड़ गया। किसी मासूम लड़की का पल्ला पकड़ा होगा जिससे ये पल्ले पड़ गया। बेशरम कहीं का, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो तुम्हें? जी बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सूरत से तो चोर नहीं मालूम होते, लेकिन हो पक्के चोर। जी माफ कीजिए, मैं तुम रेनू से मिलने आए हो ना, वो तो तालाब पर नहाने गई है। चोली भीगी, लट भीगी, भीगा ये बदन, क्या होगा ऐसे में जो आ जाए सजन। चोली भीगी, लट भीगी, भीगा ये बदन, क्या होगा ऐसे में जो आ जाए सजन। चोली भीगी,
सजन चोली भीगी हट भीगी भीगा ये बदन क्या होगा ऐसे में जो आ जाए सजन चोली भीगी हाय आओ तुम कहां से टपक पड़े और ये भीग कैसे गए भीग नहीं गया वो मैडम तुम्हें देख कर पसीने छूट रहे हैं आओ घर चले चलो दादी माँ दादी माँ चल हट पड़े कैसी दादी माँ कहाँ की दादी माँ अब तो तेरे भी पर निकल आए हैं अपनी दादी माँ को छोड़कर ना जाने कब किसी के साथ उड़ जाए अरे बैठो बेटा बैठो 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 बेरा नाश्ता लगाओ जल्दी ये लोग जवान हैं अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो एक दूसरे को देखकर ही पेट भर लेंगे मेरी तो भूख ही गायब हो गई है तो फिर काफी पियो बेरा काफी दो काफी ही काफी होगी और काफी के साथ और भी कुछ सिर्फ काफी ही काफी है काफी कुछ तो पहले ही मिल चुका है जरा ठंडा करके पीजिए और मुरली सेठ ये बच्चा तुम्हारा अपना ही बच्चा है भाई मगर तुम्हारी शादी कब हुई देखो भाई शादी के बगैर बच्चा होना कानून के खिलाफ है कुदरत के खिलाफ नहीं जाओ अरे वाह उस्ताद तुम तो बड़े तीस मार खा निकले चलो इसी बात पे पाव की जगह पुलाव खिलाता हूँ थोड़ा भेजा भी लाना मेरे तो भेजा खत्म हो गया है आधा भेजा निकाल सेठ का तो ग्लूकोज बिस्किट भी लाना ये बिस्किट के लिए कौन बोला मैंने अरे भागो भाई अरे क्या बना हाथा की अरे मुरली सेठ भेजा नहीं खाओगे नहीं नहीं भाई कमाल है भेजा काट तुम बोल सकते हो तुम भी बोल सकते हो मगर तुम कैसे बोल सकते हो जैसे तुम बोल सकते हो कमाल है ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा माचिस जला के देखता हूँ मर गया समझ नहीं आता ये कैसे हो गया तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो अरे अच्छा हो तभी तो बुरी तरह फंसा हूँ दिल करता है कपड़े फाड़ कर बाहर निकल जाओ जाता हूँ तुम उससे भी छोटे बच्चे हो अरे तुम बच्चे हो ये मेरे बाप हो समझ नहीं आता क्या करूं कहां जाऊं किससे कहूं और कहूं भी तो क्या कहूं लोगों से कहूंगा एक साल का बच्चा बुजुर्गों की तरह बात करता है तो मुझे पागल समझेंगे काश मैं कहीं जा सकता तुम तो मुसीबत से छूट जाते अरे बाप रे बाप तुम कहीं मत जाना जहां भी जाओगे मुसीबत ही डालोगे हाँ तुम भी तो मुसीबत में हो अब मेरे पे मुसीबत आ पड़ी संभालना ही पड़ेगी आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा चलो आइसक्रीम आइसक्रीम ये दोस्ती महंगी पड़ेगी चलो भाई आइसक्रीम ही सही एक आइसक्रीम लाओ अच्छा सेठ दो लाओ तुम भी तो खाओ ये किसने बोला मैंने बोला और किसने बोला तुम्हारा मुंह तो बंद था अरे भाई मैं मुंह छोटा करता हूँ बात ज्यादा हो जाती है समझे ना छोटा मुंह बड़ी बात तुम बात ज्यादा मत करो आइसक्रीम लाओ अच्छा, चलो थैंक यू ये लो पैसे देखो मिस्टर ग्लेक्सो वो देखो ये मुंबई का रेस कोर्स है यहाँ घोड़े भागते हैं और गधे खेलते हैं समझ गए अब तुम समझ लो गधा कौन और घोड़ा कौन है टैक्सी क्या माल ये हाल है वाह अरे एक फुट का तो कद है तुम्हारा और दस फुट की चाल देखते हो लो और बुलाओ वो आ रही है तैयार हो जाओ चलो लड़की अच्छी भगाई है क्या बोला जी मैं खुशी बोला कुछ नहीं बोला तो आवाज जन्म से आई क्या जन्म तो ऐसे जा रहे हो फिर बता और ऊपर से कहता मैं कुछ बोला नहीं चलो जाने दो दूसरी टैक्सी ले लेंगे अरे क्या कर रहा है इस तरह से पैसेंजर भगाता रहा तो मैं भी भूखा मरूंगा तू भी भूखा मरेगा समझे वो लड़की को भगा ले जा रहा था और देखो प्लीज यही है वो बदमाश पकड़ लो इसे
यू मिस्टर ग्लेक्सो, यू आर द ग्रेटेस्ट हिटलर आई मेट, यू आर ग्रेट। हमसे बढ़कर कौन होगा आपका दीवाना, कितने दिन के हैं मोहब्बत के जरा फरमाना। अच्छा वाह वाह, ओ हमसे बढ़कर कौन होगा आपका दीवाना, कितने दिन के हैं मोहब्बत ये जरा फरमाना। जितने भी कठिन हो जिंदगी के रास्ते, जिंदगी सारी है दिल पर आप ही के वास्ते। क्या बात है? चाहे जितने भी कठिन हो जिंदगी के रास्ते, जिंदगी सारी है दिल पर आप ही के वास्ते। दो कदम चल के कहीं रुक जाए ना दीवाना, कितने दिन की है मोहब्बत ये जरा फरमाना। हमसे बढ़कर कौन होगा आपका दीवाना, कितने दिन की है मोहब्बत ये जरा फरमाना। तो मंजिल चाहे जितनी दूर हो, क्या पता तकदीर को कुछ और ही मंजूर हो। चल पड़े हैं अब तो मंजिल चाहे जितनी दूर हो, रह नहीं सकता अधूरा प्यार का अफसाना। कितने दिन की है मोहब्बत ये जरा फरमाना, हमसे बढ़कर कौन होगा आपका दीवाना, कितने दिन की है मोहब्बत ये जरा फरमाना। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त किस लिए? रेनु के साथ मजे उड़ाने के लिए? गवर्नर, तुम यहाँ मोहब्बत करने के लिए नहीं आए हो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और एक बात तुम भी अच्छी तरह जान लो, राजा किसी का गुलाम नहीं और ना ही उसे हुक्म सुनने की आदत है। यहाँ भी किसी को काम चोरी की आदत नहीं है ब्रदर, ध्यान से सुन लो, अगर रेनु हमारे रास्ते में आ जाएगी तो शेट्टी अब तक 24 खून कर चुका है, रेनु के खून से मेरी सिल्वर जुबली हो जाएगी। मतलब? रेनु रोज सुबह शहर के लिए जाता है, कहीं ऐसा ना हो एक दिन वो वापस ही ना। अगर तुमने रेनु की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो Get
लड़ रहे हैं। अभी किसे खत्म करो राजा, मैं वो नर्स का लिबास पहनते पहनते मासूम चेहरे की एक्टिंग करते करते बोर हो गई हूँ। ओह यू ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शेमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।